ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे फ्रेंड्स। और आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात कर रहे हैं नई शुरुआत में। आज दोस्तों हम जान रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में चैलेंजेस का सामना करते हैं, जब अचानक से हम पर कोई मुसीबत आ पड़ती है, तब ऐसे समय में हम एक नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा रेबेका, जब ऐसी मुसीबत आती है या कोई हादसा हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसे लॉस आ जाते हैं, तो फिर हम लोग बड़े हताश हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और बिल्कुल हम डाउन हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। और दर्शकों, मुझे मालूम नहीं क्या ये आपका अनुभव है या नहीं, कि शायद आपके भी परिवार में, लाइफ में, बिजनेस में या एजुकेशनल आपके उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है या कोई ऐसा एक्सीडेंट आ गया है, बीमारी आ गई जिससे सब कुछ ही हिल गया हो और पूरा जो सही फ्लो चल रहा था आपकी लाइफ का, अचानक वहां पे एक स्टैंड स्टिल पे आ गए और आप सोच रहे हैं, खुदा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कैसे मैं नई शुरुआत कर सकता हूँ। ये एपिसोड आपके लिए है। जी बिल्कुल दोस्तों, आज हम मिलकर सीखेंगे। और इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, आइए देखते हैं कि अल्फ्रेड आज पहचान कौन में क्या सवाल हम सबसे पूछ रहे हैं। तो समय है पहचान कौन का। प्रेरितो के काम 16वां अध्याय और 25वें पद में आधी रात को पौलुस और सिलियास बंदी गृह में क्या कर रहे थे? आपके ऑप्शंस हैं, पहला खरांटे लेके सो रहे थे, दूसरा ऑप्शन दवा के लिए रो रो के बुला रहे थे लोगों को, तीसरा ऑप्शन प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे थे, और चौथा ऑप्शन एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। और दोस्तों, सही जवाब आप जल्दी से हमें भेज दें। CBN इंडिया के YouTube चैनल पर आप जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में सही जवाब आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराएं प्रीतम से, जिनके जीवन में भी अचानक एक दिन एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। इस कारण उन्हें लगा कि उनके जीवन में एक डेड एंड आ गया है। आइए देखते हैं कि क्या परमेश्वर ने उनके लिए नए दरवाजों को खोला, आगे उनके जीवन में क्या हुआ, आइए उन्हीं से मिलकर हम जानें। प्रियतम को बाइक से प्यार था। एक युवा और उत्साही इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते वो तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के खतरों के बारे में नहीं सोचते थे, पर एक दिन एक हादसा हो गया। जब मैं बीटेक में था, एक दिन मुझे एक जरूरी काम आ गया, तो मैं तेज गति से जा रहा था। वहाँ एक जंक्शन पर एक सिग्नल था, क्योंकि मैं जल्दी में था, मैं उस सिग्नल को पार करके बहुत तेज गति से जाना चाहता था। लेकिन अचानक से जब सिग्नल लाल हुआ तो एक कार मेरे सामने रुकी। मैंने ब्रेक लगाया जिसके कारण मैं लुढ़क गया और कार का पिछला टायर सीधे मेरे पेट में जा टकराया। प्रियतम को अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर की बातों ने उनके परिवार को तोड़ कर रख दिया। डॉक्टर ने मेरे पिताजी से कहा कि आपके बेटे को दिल्ली स्प्लीन के पास ही, बाई छाती के पास ही चोट लगी है। आमतौर पर चोट लगने के 15 मिनट के भीतर उस क्षेत्र में खून जम जाता है और ये हृदय तक पहुंच जाता है और आदमी तुरंत दिल के दौरे से मर जाता है। लेकिन अब तक 2 घंटे हो चुके हैं, जैसे कि 2 घंटे हो गए तो 99.9% आपका बेटा मर चुका है, इसलिए आपको तुरंत 1.5 लाख का भुगतान करने का निर्णय लेना चाहिए और हम उसको बचाने की कोई गारंटी के बिना उसका ऑपरेशन करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, डॉक्टर की बातों के विपरीत प्रियतम धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी गंभीर स्थिति से बाहर निकल सके और दुर्घटना से उबर पाए। उसके बाद फिर से मैं अपनी बाइक लेकर कॉलेज गया और मुझे उम्मीद थी कि मेरे सभी दोस्त दोस्ताना ढंग से मेरा स्वागत करेंगे, लेकिन स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। मेरा मतलब है कि सब मुझ पर दया दिखाने लगे और इस तरह से बात कर रहे थे जैसे कोई चिंता की बात हो, इसलिए अनजाने में ही मेरा आत्मविश्वास गिरने लगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। प्रियतम ने अपने आप को अस्वीकार्य और अकेला महसूस किया और आखिरकार उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने का विचार किया। एक और मुझे लगा कि मैंने अपने दोस्तों को और अपनी शिक्षा को भी खो दिया है, और दूसरी ओर परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और रिश्तेदारों ने भी मुझे गिल्टी फील कराया।
मैं ये सब नहीं चाहता था, तो मैंने एक दिन सोचा और मैंने इसे समाप्त करने का फैसला किया। इस मुश्किल दौर में एक पास्टर ने प्रियतम के लिए प्रार्थना की और उन्हें प्रोत्साहित किया। बाइबल का अध्ययन करने के लिए मैंने मत्ती की पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। मैंने मत्ती के 21वें अध्याय के 22वें वचन को देखा और उसके अनुसार प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा, प्रभु मेरे पास गेट की तैयारी करने का ज्यादा समय नहीं है, और साथ ही मेरे पिताजी ने मेरी गेट एग्जाम की फीस को भी भर दिया है, और उन्होंने अस्पताल में जो खर्च किया उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सका था। इसलिए अगर कम से कम मैं गेट एग्जाम को पास कर लेता हूँ तो जो पैसे उन्होंने खर्च किए हैं तो उनके साथ मैं न्याय कर सकूंगा। मैं केवल इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था और लगातार पढ़ाई कर रहा था। प्रियतम बहुत खुश थे जब उन्होंने गेट एग्जाम को पास किया और आईआईटी खड़गपुर में सीट प्राप्त की। जब तक मुझे अच्छी गेट रैंक नहीं मिली और मुझे प्रतिष्ठित कॉलेज में स्थान नहीं मिला था, तब तक मैं वैसा प्रियतम था जिस पर लोग तरस दिखाते थे। अब वे मुझे गेट प्रियतम कहकर बुलाते हैं। मेरा विश्वास और अधिक बढ़ा और मैं परमेश्वर को और अधिक जानना चाहता था और उनके लिए अधिक करना चाहता था। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत कुछ किया था। उसने मुझे मेरे मृत्यु के बिस्तर से उठाया था और अब उसने मुझे एक ऊंचे स्थान पर रखा है और मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता था। आईआईटी खड़गपुर से सफलतापूर्वक एमटेक पूरा करने के बाद प्रियतम अभी एक नामी कंपनी के लिए हाईवे डिजाइन इंजीनियर के रूप में काम करते हैं और जीवन में एक नई शुरुआत की तलाश करने वालों के लिए ये सलाह देते हैं। जब हम इस संसार में आते हैं तो हम वही करने की इच्छा रखते हैं जो दूसरे करते हैं। हम वो नहीं करते हैं जो परमेश्वर कहते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि यदि हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं उसे हम पाते हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, हमारा जीवन तबाह हो जाता है, तब हम परमेश्वर के पास आते हैं। भला ये है कि हम परमेश्वर के पास पहले ही आएं, उसके बारे में जानें और उस पर भरोसा रखें कि जब भी हम मांगेंगे वो हमें देंगे। हमारे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण करें और उसकी अगुवाई के अनुसार आगे बढ़ें। परमेश्वर सफलता के मार्ग में हमारी अगुवाई करेंगे। आज प्रियतम सिमरन से शादी कर चुके हैं। ये जीवन जो परमेश्वर ने दिया है उसका वो आनंद ले रहे हैं। मैंने बहुत बार परमेश्वर को छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो लगातार मुझे थामे रहे। वो एक चीज को देने के बाद छोड़ नहीं देते। यदि वो कुछ देते हैं तो वो और अधिक मुझे देना चाहते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, वो मुझे अधिकाई के साथ निरंतर दे रहे हैं। That's so encouraging. दोस्तों, आशा करते हैं कि प्रीतम से मुलाकात करके आपको बहुत encouragement मिली होगी। हम सब के जीवन में कभी न कभी ऐसा होता है कि अचानक से ऐसा लगता है कि पूरी सिचुएशन बदल गई है। And I'm sure after the accident he felt exactly the same. बिल्कुल से एक्सीडेंट हुआ और पूरा ऐसा लगा कि पूरा मतलब लाइफ ही खत्म हो गई। और उसके बावजूद खुदा ने उनकी इतनी मदद करी, इतनी डिग्रियां ली उन्होंने, और कैसे खुदा ने उनको उठाया और कैसे उनका विश्वास परमेश्वर में बढ़ा। और मैं खुद देख के बहुत ही इंकरेज हुआ। दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इंकरेजमेंट आपने पाई होगी। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं या बिस्तर पर बैठे हैं या अकेले किसी कोने में बैठे हो, आप उठिए, उठिए और जागिए और देखिए प्रीतम की लाइफ को, और आप इंकरेजमेंट पाइए और आप भी कुछ करके दिखाइए परमेश्वर के लिए। और ऐसी एक शख्स है जिसका नाम है डेरेक रेमंड। वो बहुत ज़बरदस्त एथलीट था और बड़ी ट्रेनिंग करी, पूरी लाइफ की ट्रेनिंग थी उसकी, और बहुत मेहनत करी उसने। और 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में वो पार्ट ले रहा था। 400 मीटर्स रेस का इवेंट था उसका और फेवरेट था टू विन द रेस। और वन ऑफ द हीट्स में उसने जो रेस करा और वहाँ पे तैयार हुआ और वो जो रेस में था वो, और वहाँ पे जो रेस के दौरान अचानक हाफ वे थ्रू जब आधा उसने कवर करा था, उस बेंड पे अचानक उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई और इतनी ज़बरदस्त पेन हुआ उसके पैर में, और वहाँ जाके वो रुक गया, वो और भाग ही नहीं पाया उसके बाद। और अचानक बाकी लोग निकल गए, रेस भी खत्म हो गई, और बड़ी मुश्किल से लंगड़ा के उसने कहा मैं अपनी रेस कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और उससे बड़ी ज़बरदस्त दर्द हो रही थी उसके पैर में। बड़ी मुश्किल से जब वो लंगड़ा के चल रहा था, अचानक क्राउड में से एक आदमी आता है, सिक्योरिटीज को हटाकर वो आता है उसके पास और उसको पकड़ लेता है और उसका हाथ अपने कंधे पे डालता है और वो उसको पकड़ता है अच्छी तरह।
और उसको संभालते संभालते उसको सहारा देते हुए फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करवाता है और पूरे स्टेडियम में बड़ी जबरदस्त तालियां बजती हैं, अप्लॉज होते हैं। फिर बाद में लोगों ने पूछा ये कौन इंसान था जो अचानक ऑडियंस में से निकल के आया, जो अलाउड नहीं है, और सिक्योरिटी वालों को हटा कर वहाँ घुस जाता है अंदर, कौन है ये इंसान? बाद में पता चला वो उसका फादर था जिसने उसकी मदद करी रेस को कंप्लीट करने के लिए। मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, गिर जाते हैं हम, तकलीफें आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लॉसेस आ जाते हैं, और हम खुद शायद ऐसा लगता है कि मैं हार गया हूँ, खत्म होगी रेस मेरी। और याद रखो, एक परमेश्वर है जिसकी आंख आपके ऊपर है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो जिंदगी के अंत तक, रेस के एंड तक वो आपका सहारा बनेगा और वो आपको उठाएगा। आप 7 दफा गिर जाओ, 7 दफा उठाएगा वो, उठाता रहेगा जब तक जिंदगी की दौड़ आप कंप्लीट ना करो। ये हमारा परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर आपका स्वर्गीय पिता है, प्रश्न ये है, अगर वो है तो याद रखें, जिंदगी के हर फॉल में, हर परिस्थिति में ही इज देयर विद यू टू कैरी यू टू द वेरी एंड। ये वर्स हम आपको देना चाहते हैं, मती 28:20, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं, डोंट बी डिस्करेज, मायूस मत होइए, गॉड इज विद यू, वो आपके संग है और वो आपको एंड तक पहुंचाएगा। एंड वी होप एंड प्रे दैट यू विल टेक इनकरेजमेंट एंड राइज अगेन। एक बार खड़े होंगे आप, एक बार फिर खड़े होंगे आप, और आप दौड़ोगे उसके लिए। दोस्तों, आपके चैलेंजेस में, आपके मुश्किल समय में अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो वी वुड रियली लव टू हेल्प यू। हमारे जो यहाँ काउंसलर्स हैं वो बहुत कंपैशनेटली आपकी बातों को सुनते हैं, आपके चैलेंजेस को समझते हैं और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप अपने लिए काउंसलिंग स्लॉट ज़रूर बुक करें, या अपने लव्ड वंस के लिए भी आप काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। और दोस्तों, इसी के साथ टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रार्थना का समय होगा। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, स्टे विद अस। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN Offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कभी कभी अचानक से हम पर मुसीबत आ जाती है, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सर्टन डिफिकल्ट सिचुएशंस इन आवर लाइफ, लेकिन ऐसा होता है, हम सब के साथ होता है। ऐसे समय में हम एक नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा रेबेका, पर ऐसी परिस्थितियों में जब ना लेफ्ट ना राइट, ना आगे ना पीछे, कोई है नहीं हमारे लिए और ऐसा लगता है कि लाइफ खत्म हो गई है, तो कहाँ देखना चाहिए? हमें परमेश्वर की ओर देखना, ऊपर देखना चाहिए। मतलब जहाँ परमेश्वर है तो वही हम करेंगे। दर्शकों, वी आर गोइंग टू लुक टू द लॉर्ड, हम परमेश्वर की ओर अपनी नगाहें उठाएंगे। और आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं आप सब लोगों के लिए, और खास तौर से उन अजीजों के लिए जो शायद हमारे प्रीतम भाई की तरह उनकी लाइफ में भी कोई ऐसे एक्सीडेंट आया हो, ऐसी बीमारी आई हो, ऐसा लॉस आया हो, या अचानक ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसको कभी आपने सोचा ना हो आपकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, और आप बिल्कुल निराश हैं, सोच रहे हैं जिंदगी से आप हार गए, पर नहीं नहीं नहीं, हम प्रार्थना करेंगे और खुदा उस सिचुएशन को बदलेगा आपके लिए। दिस इज योर मोमेंट, ये है आपका लम्हा, आपका पल जब आप चीजें बदल सकती है, क्योंकि जब हम खुदा की ओर पुकारते हैं वो हमारी सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। विश्वास में आइए, विश्वास में, इन फेथ, मिलकर विल एग्री अपॉन एनीथिंग, खुदा के कलाम में लिखा है, और मैं करूंगा, खुदा कहता है। आइए, लेट अस एग्री अपॉन दिस, और हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, जब हमारा कोई सहारा नहीं है, जब हमारा कोई मददगार नहीं है, जब हमें कोई मदद करने वाला है ही नहीं, प्रभु हमारी निगाहें पर्वतों की ओर नहीं परंतु आपकी ओर जाने, आपकी ओर है प्रभु, क्योंकि आप ही हैं
जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया। और प्रभु जी, हम अपने दर्शकों के लिए मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में अचानक कोई ऐसा हादसा हो गया है, कोई ऐसी परेशानी आ गई है, ओ मेरे खुदावन, आप उसको उस परेशानी से निकालिए, आप एक राह निकाले उनके लिए या उसको सुलझाए, खुदा आप सॉल्व करें वो प्रॉब्लम उनके लिए, और प्रभु जी उनको बर्दाश्त करने के लिए प्रभु जी आप अनुग्रह दीजिए और उनको बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए कि इस परिस्थिति में कैसे हैंडल किया जाए उसको। ओ मेरे खुदा, आप उनकी मदद करें कि आप इस परिस्थिति से, इस परेशानी से, इस सर्कमस्टांस से आप खुदा उनको एक एक विक्ट्री दीजिए, उसमें से निकालिए प्रभु, एक विजय बनाइए, और प्रभु जी आप, आपको वो एहसास करें कि आप उनके संग हैं, आपने उनको नहीं छोड़ा इस परिस्थिति में, आपकी उपस्थिति निरंतर उनके साथ रहे। खुदावन आप दया करें और उनको संभालें और बचाएं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना कर दी है और हमारे जीवित परमेश्वर ने हमारी इल्तजा को, आवाज को सुना है और उसका उत्तर वो जरूर देगा, ताकि ये जो परेशानी आप पे आई है अचानक से, और अचानक से एक, और उसमें एक रास्ता भी खुदा निकालेगा। बस विश्वास में बने रहिए और अपनी निगाहें उसी की ओर रखें। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारे जीवन की परेशानियों में से बाहर निकलने के लिए रास्ता भी हमें परमेश्वर ही देता है। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन। दर्शकों, ये वर्ष मुझे बहुत इनकरेज करती है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, अगर आप खुदावन या परमेश्वर से प्रेम करते हो तो हर एक चीज भलाई के लिए उत्पन्न होती है। आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होगा मेरा बाद में, पर जस्ट एक बात को मैं अविश्वास से, जस्ट बिलीव ऑन हिम, उस पर विश्वास करें, वाकई भलाई के लिए उत्पन्न होगी ये बात, जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, बिकॉज हमारा परमेश्वर भला है, प्रेमी है, दया का सागर है, वो आपको संभालेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम करेंगे असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च अलीगंज लखनऊ के पासवान के साथ खास मुलाकात। और ब्रेक में आप देख सकते हैं कि बच्चों की सुरक्षा कितनी जरूरी है और इसके लिए CBN फाउंडेशन क्या क्या कर रहा है। सो मिलते हैं बहुत जल्द इस ब्रेक के बाद। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। यू कैन स्टैंड इन दिस गैप एंड प्रे फॉर देम इन इंग्लिश, हिंदी और योर रीजनल लैंग्वेज। To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. Child protection अलग-अलग धागों से बुना एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो बच्चों को चाइल्ड अब्यूज की खाई में गिरने से बचा सकता है, और इस नेट से जुड़ा हर धागा इम्पोर्टेंट है। बाल सुरक्षा के इस ताने बाने का एक धागा जहां प्रिवेंशन है, जो बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध या शोषण की पॉसिबिलिटी को रोकता है, तो दूसरा प्रोटेक्शन है जो बच्चों की संपूर्ण सुरक्षा पर बल देता है। एक और पार्टिसिपेशन का थ्रेड जहां अलग अलग लोगों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एक साथ लाता है, वहीं पार्टनरशिप इस नेट से जुड़े स्टेक होल्डर्स की भूमिका भी सुनिश्चित करता है। और प्रायोरिटी एंड और प्रोविजंस के तार इसे एक मुकम्मल शेप देते हैं। आप भी CBN फाउंडेशन के साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए बुने इस सेफ्टी नेट की एक मजबूत डोर बन सकते हैं। लेट्स वीव अ सेफ्टी नेट फॉर चिल्ड्रन टुगेदर। वेलकम बैक दोस्तों, हम वापस आ गए हैं और हम
चर्चा कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह अचानक जिंदगी में कुछ ऐसा कुछ हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जिससे हम बिल्कुल निराश हो जाएं और टूट जाएं, पर फिर भी इसके बावजूद हम किस तरह एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी तक ये बात आपको समझ आ रही है और आप इससे इनकरेजमेंट पा रहे हैं। आइए दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अब वक्त है कि हम आपकी मुलाकात कराएं रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस कुमार से, जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च अलीगंज लखनऊ में एक सीनियर पास्टर के रूप में कार्यरत हैं। आइए चलते हैं अदब के शहर लखनऊ में और करते हैं पासवान जी से खास मुलाकात। मेरा नाम मॉरिस कुमार है। एक लौता पुत्र होने के नाते शुरू से बचपन से मेरी हर एक ख्वाहिशों को पूरा किया गया, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आगे जिंदगी मेरे लिए क्या मोड़ लाने वाली है। मुझे अभी भी याद है वो दिन 13 सितंबर 1996, जब अचानक 2 दिन के बुखार के कारण मेरी माँ का निधन हो गया। इस सदमे ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मेरी माँ का निधन होने के बाद इसी बीच मेरे पिताजी भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके अपनी जॉब से छुट्टी पे आ चुके थे। मुझे अपना भविष्य अंधकार दिख रहा था, कोई ज्योति नहीं, कोई उजियाला नहीं। उसी बीच में मेरे अपनों ने मेरे लिए दरवाजा बंद कर दिया। लोगों ने कहने लगे कि अब तो ये बर्बाद हो जाएगा, इसकी माँ जब तक थी तब तक ऐश था, इसने हमेशा आनंद का जीवन व्यतीत किया, लेकिन अब क्या। उन दिनों मुझे सीवियर जॉइंटिस भी हुआ था। बीमारी के बिस्तर में हर एक रात मुझे यह ख्याल आता था कि अब मेरा क्या होएगा, मेरी चिंता कौन करेगा। और उस गम की रात के बीच में जब मैं तन्हाई में था, मैं ना उम्मीदी में था, मुझे मालूम नहीं था मेरे भविष्य का क्या होएगा, जब मैं रात रात भर रोता था। इसी बीच में मेरी मरहूम मौसी विनीता आंटी मुझे एक दिन अपने साथ असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सुजानपुरा लखनऊ में लेके गई। आराधना के बाद जब मैं बाहर निकलने लगा, मुझे लगा जैसे और कलीसिया में होता है वैसे यहाँ पर भी होता है, आप आराधना में आए, आराधना के बाद आप चले जाइए। तभी पीछे से मेरे कंधे पे एक हाथ आया और वो उस कलीसिया का पासवान थे, पास्टर शैलेन दास। और उन्होंने मुझसे कहा, मॉरिस कैसे हो। इस बात ने मुझे छू लिया कि एक अनजाना व्यक्ति एक अनजानी कलीसिया में आया, लेकिन खादिम मुझे जानता है, इतना प्यार दिखा रहा है। और उस दिन का बात थी और आज का दिन मैं बताना मांगता हूँ खुदा के लोगों कि मैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के साथ जुड़ के मैं आराधना करने लगा। उन्होंने कहा, भजन संहिता 30:11 में लिखा है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदला है, मेरे शोक को हटा के यश की ओढ़नी उड़ाई है। इन वचनों ने मुझे धाड़स दिया, मुझे हियाव दिया। उन्होंने समझाया कि भजन संहिता में ये भी लिखा हुआ है उसके 30 उसकी 5वीं आयत में कि हर एक रात के बाद सुबह होती है, हमारे पास परमेश्वर का आनंद आएगा। मुझे इन बातों से बहुत हियाव मिला। ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसी बीच में मेरी शादी हुई। मैंने इस बात का फैसला किया कि मैं सेवा करूंगा और लोगों ने कहना शुरू किया, सेवा में क्या रखा है, वो सेवा करते हैं जो किसी योग नहीं है, अपना भविष्य बनाओ, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी करो। लेकिन मैंने इस बात का प्रण किया था कि मैं सेवा करूंगा और आज मुझे सेवा करते करते 20 साल हो गए हैं। ये मेरा अनुभव है कि जब मैं विश्वास योग नहीं भी था तो यीशु मसीह विश्वास योग है। मैंने अपनी तकलीफ में, दुख में, मातम में, पीड़ा में प्रभु की विश्वास योग्यता अपने जीवन में पाई। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको भी लग रहा है कि ये कहानी मेरी भी है, ये दशा मेरी भी है, ये परिस्थिति मेरी भी है, तो वचन से आपको भाना मांगूंगा। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21 बाब उसकी 34 आयत लिखा हुआ है, अब वो सब आंसुओं को पोंछ देगा, इसके पश्चात मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना मातम, ना दुख, देखो पहली बातें सब बीत जाएंगी। और मैं धन्यवाद देना मांगता हूँ CBN के इस इनिशिएटिव के लिए, या ये कह लीजिए ये प्रभु की ओर से था, CBN स्पेशली
सॉन्ग्स एंड हिम्स, खासतौर से जो ओल्ड हिम्स होते हैं उनको रिवाइव करती है, क्वायर को मोटिवेट करती है, चर्चेस के क्वायर को मौका देती है कि वो अपने आप को तैयार करे, और वो पर्सनल एफर्ट डाल के अपना टाइम लगा के वो खुद आते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे चर्च में भी CBN की पूरी टीम आई, मैं पूरी टीम का धन्यवाद देना मांगता हूँ। उनके मार्फत, उनके माध्यम से हमारे जवानों को मौका मिला कि वो अपने पुराने गानों को रिकॉर्ड कर सके, गा सके, और CBN के माध्यम से हम टेलीविजन पे भी आ रहे हैं। Wow, isn't that wonderful? कितना अच्छा लगा पासवान जी से मुलाकात करके, एंड बहुत अच्छा लगा उनके जीवन में झांक कर, और उन्होंने बड़ी सरलता से और बड़ी ऑनेस्टली अपनी जीवन की बातें हम सबके साथ शेयर करी। रियली बहुत ही अच्छा लगा, और ख़ास तौर से जो ऐसी मुसीबतें आई उनकी लाइफ में उसके बावजूद ही फाउंड जॉय, और उनको खुशी और उनको सेटिस्फैक्शन मिला प्रभु की सेवा करने में। और मैं वाकई इनके साथ सहमत हूँ कि जो खुशी और आनंद और जो शांति और सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि हमें मिलती है खुदा की खिदमत में, और कहीं नहीं मिल सकती। सो इट्स बीन सच एन एनकरेजमेंट टू लर्न फ्रॉम यू एंड टू नो अबाउट यू, एंड गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और दोस्तों, अगर आपकी भी चर्च कॉयर्स एक नई जिंदगी पर आना चाहती हैं, एंड इफ दे वॉन्ट टू सिंग फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल आर व्यूअर्स, एंड ब्लेस अस थ्रू दे आर ब्यूटिफुल सिंगिंग, देन यू आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करें, आपके चर्चेज हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी CBN इंडिया की वेबसाइट पर, और हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/connectwithus। और दोस्तों, इट्स टाइम टू से गुड बाई टू यू, और जाते जाते हम सुनने जा रहे हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च अलीगंज लखनऊ की कॉयर द्वारा गाया गया ये गीत, मेरा संगीत है तू। इस खूबसूरत गीत को हम इनकी मधुर आवाज़ों में इंजॉय करेंगे, और आज हमने इनके पासवान के साथ ही खास मुलाकात की है। सो यू गोइंग टू बी ब्लेस्ड नाउ विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। दोस्तों, आप इस मधुर संगीत को एंजॉय करें, हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। Baby, baby.